नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ नौशीन परवीन। उत्तराखंड प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज 24। छपरेला थाना क्षेत्र के मानकापुर आदमपुर गांव में कोई दो लोगों की हत्या के मामले में पुलिस के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SP देहात हरिद्वार स्वपन किशोर ने बताया कि बुधवार 16 दिसंबर को सूरज ने झबरेड़ा थाना क्षेत्र में तहरीर दी थी कि उसकी पत्नी अनु और उसकी प्रेमी रोहित ने उसे दादा महेंद्र और उसकी बहन प्रीति की हत्या कर दी है। इतना ही नहीं, मामले को छुपाने के लिए उन्होंने परिजनों को गुमराह करने की कोशिश की। इस मामले में थाना प्रभारी झबरेड़ा रविंद्र कुमार ने जाँच शुरू की तो सामने आया कि दोनों आरोपी अनु और रोहित एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, इसलिए अनु ने प्यार में रोड़ा बन रहे दादा ससुर महेंद्र की रोहित के साथ मिलकर हत्या कर दी। बीती 2 नवंबर को हत्या कर दी। हालांकि इस दौरान किसी पर भी कोई शक नहीं हुआ। परिवार ने इसे एक हादसा समझा। इसके बाद दादा की मौत पर अनु ननंद प्रीति भी घर आ गई। प्रीति घर आने से दोनों का मिलना फिर से बंद हो गया। आखिर में उन्होंने प्रीति की भी तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद अनु के पति सूरज की भी जान से मारने का प्लान बनाया, लेकिन समय रहते सूरज को शक हो गया और उसने झबरेड़ा थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और सच्चाई सामने आई। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच लंबे समय में से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के खिलाफ कई थाने में कार्यवाही की गई। रोहित मूल रूप से यूपी से सहारनपुर जिले में रामपुर मणिपुर का रहने वाला है। जी सूरज, क्या कुछ मामला है? जी सर, हमारे घर में जो दो हत्या हुई है जी, उसका मामला है। हत्या किसने करी है? जी, उसमें मेरी वाइफ जिसका नाम रिया है और जो जिसके साथ में वो लग रही थी या संबंध थे उसके, उसका नाम रोहित उर्फ रामू है, उन दोनों ने साजिश करके हत्या की है। आप लोगों को कैसे पता चला? जी हमें उसने ही खुद बताया। 2-3 दिन पहले रात के समय उसने खुद बताया कि उसमें मैं हमने बाबा जी और उनको नशे की गोली देकर और बहन जी उनको नशे की गोली देकर उनकी हत्या की है। आपके परिवार में जो दो हत्याएं हुई हैं उसमें जो आपकी सिस्टर है उनका क्या नाम था? प्रीति जी। और जो बाबा जी हैं? उनका महेंद्र सिंह जी। ठीक। कितने टाइम से चल रहा था सिस्टम और आपको उसकी भनक कब लगी? जी ये सिस्टम जो दवा का सिस्टम था, नशे का सिस्टम था, ये चल रहा था 3 महीने से और हमको जो भनक लगी अभी 4-5 दिन से ही उसने ही खुद बताया है। लड़का कहाँ रहने वाला था? लड़का ये रामू रोहित उंडाखेड़ी से। और किन किन? हाँ, मुंडाखेड़ी। और किन किन लोगों के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज करवाया? जी जो एक पत्नी रिया और रामू और रिया का भाई हिमांशु। तो अब तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है? नहीं, अब तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस से आप क्या मांग चाहते हैं? हाँ जी, पुलिस से आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि इन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, जो भी इसमें दोषी हो उसे और हमें इंसाफ मिले। और सूरज के द्वारा थाना झबरेड़ा पर एक तहरीर दी गई कि अभियुक्त रोहित उर्फ रामू और एक अन्य अभियुक्त रिया उर्फ अन्नु के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक उसके दादा महेंद्र और उसकी बहन प्रीति की हत्या कर दी गई है और परिजनों को गुमराह किया गया है। इस संबंध में अंतर्गत धारा 302, 120B, 201 IPC के अभियोग पंजीकृत कर क्षेत्राधिकारी मंगलौर के निर्देशन में थानाध्यक्ष झबरेड़ा रविंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई और उक्त टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सफलतापूर्वक उक्त घटना का अनावरण किया गया। दोनों अभियुक्तों रोहित उर्फ रामू निवासी सहारनपुर और रिया उर्फ अन्नु निवासी झबरेड़ा को गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पूरे घटनाक्रम में यह ज्ञात हुआ कि दोनों अभियुक्त एक दूसरे के साथ भावनात्मक संबंधों में सन्निकट आ गए थे और इसीलिए रास्ते का रोड़ा जो वादी का दादा था उसे रास्ते से हटाया। उसके बाद जब उन्हें लगा कि इसके बारे में किसी और को जानकारी नहीं हुई है तो एक अन्य जो उनके अवरोधक सिद्ध हो रहा था, वादी की बहन, उसकी भी हत्या किया जाना इन लोगों ने स्वीकार किया है। इस संबंध में उक्त टीम को उक्त खुलासे के लिए SSP हरिद्वार सर की ओर से 2500 रुपये का नकद पुरस्कार घोषित किया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित। सर, क्या इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है? जो रोहित उर्फ रामू है उसका आपराधिक रिकॉर्ड अब तक जो प्राप्त हुआ है उसमें उसके विरुद्ध आधे दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें मुख्य रूप से
354, 379 गैंगस्टर अधिनियम और हत्या, ये सभी अपराध उसके द्वारा पूर्व में किए गए हैं।